क्वेश्चन देख सकते हैं बाबू, जो बेसिक पढ़ाई हुआ है उसी पे ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है एक्स में क्या लिखा है, यहाँ प्रश्न है तो क्या लिख देंगे, उत्तर। तो हम लिख देंगे एक्स में। वाई के व्युत्क्रम देखिएगा, वाई के व्युत्क्रम। तो एक्स तो रहेगा ही, लेकिन वाई का व्युत्क्रम क्या होता है, एक बटा वाई। समझ में आ गया कि नहीं? एक्स तो एक्स रहेगा, किसका व्युत्क्रम कह रहा है, वाई का। तो वाई का व्युत्क्रम हो गया क्या, एक बटा वाई। क्या करें, गुणा। तो यहाँ हम गुना का चिन्ह देंगे। समझ में आ गया? तो एक्स से जब हमने एक में गुना किया तो एक्स हो गया, और ये वाई का वाई हो गया। समझ में आ गया? हाँ, एक मिनट साइलेंट। तो ये अब यहाँ पे देखेंगे तीन में, तो तीन लिख देंगे, क्या करें, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। छ का भी उत्क्रम क्या होगा, एक बटा छ। तो तीन में हमने एक से गुना किया तो क्या हो गया, तीन बटा में क्या हो गया, छह। देखेंगे तीन बटा पांच है तो लिख देंगे तीन बटा पांच, गुना दे देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुना। और दो बटा सात का भी उत्क्रम क्या होगा, सात बटा दो। सात बटा दो, सत्री के दो पचे दस। समझ में आ गया? क्वेश्चन उतार लीजिए इस पे, दस क्वेश्चन घर से अपने मन से प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पर भी कीजिएगा और इस पर भी कीजिएगा। उम्मीद है जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाए हैं, क्लास टेंथ इंटर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, भाषा का मैथमेटिक्स सही है। ओके, तब तक के लिए बाय।